आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आप गूगल मीट जब यूज़ करते हैं तो उस पर कैसे अपने पार्टिसिपेंट्स की, आपके स्टूडेंट्स की, आप कैसे अटेंडेंस ले सकते हैं। तो उसको करना आपको कुछ भी नहीं है, आपको गूगल क्रोम पे एक एक्सटेंशन ऐड करना है जिससे कि वो आपकी अटेंडेंस ले सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले यहाँ ऐप्स में जाएंगे, यहाँ से वेब स्टोर पर जा सकते हैं। आप डायरेक्ट भी यहाँ पर खोल सकते थे इसको, chrome.google.com करके वेब स्टोर। अब यहाँ सर्च करेंगे बी अटेंडेंस, मीट अटेंडेंस का आप जैसे सर्च करेंगे तो फर्स्ट आपको दिखेगा मीट अटेंडेंस। इसको आप अपने क्रोम में एक्सटेंशन के लिए ऐड कर देंगे, ऐड एक्सटेंशन करेंगे। अब ये यहाँ ऐड हो चुका है, अब इससे आप गूगल मीट में अटेंडेंस ले सकते हैं। तो मैं अपने गूगल मीट को ओपन करता हूँ। स्टार्ट मीटिंग में क्लिक करेंगे। अब मैंने यहाँ मीटिंग स्टार्ट कर दी है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। अब आप यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपको शो एवरीवन। अब ये देखिए, आपने जब अटेंडेंस वाला वो एक्सटेंशन ऐड किया तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा जो पहले दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ से ये एक्सेल शीट दिख रही है, आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उसके, यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट ऐड हैं उनकी अटेंडेंस गूगल ड्राइव में ऐड हो जाएगी। जिस भी आप ईमेल आईडी को ले रहे हैं उसके गूगल ड्राइव में आ जाएगी एक्सेल शीट में। तो अभी कोई पार्टिसिपेट नहीं है, लेकिन यहाँ से जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया, इस पर क्लिक करते हैं तो जिस टाइम भी आप क्लिक करेंगे उस टाइम की अटेंडेंस आपके गूगल ड्राइव में सेव हो जाएगी। आप चाहें जिस भी टाइम क्लास की अटेंडेंस ले सकते हैं। अब ये देखिए, ये गूगल ड्राइव खुल रही है, ये देखिए अटेंडेंस वाला पेज आ गया है। मैंने अभी क्लिक किया था 7:55 पे इस तारीख को। अब यहाँ कोई पार्टिसिपेट नहीं है इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। जब पार्टिसिपेट होंगे तो यहाँ पे उनके पूरी डिटेल्स आ जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है गूगल मीट में अटेंडेंस लेने का, आपको अलग से कुछ नहीं करना है। तो आप इसका यूज़ कीजिए और पार्टिसिपेट्स की अटेंडेंस ले लीजिए। थैंक यू।